दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज़ #1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। आज हमें गवर्नमेंट सरकार की तरफ से राहत मिली है, कम से कम ये मान के चलो 70-72 दिन के बाद हमें गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिली है अभी दुकानें खोलने की। उसके अलावा दुकान तो खुल रही हैं, पर उसके अलावा जिस तरह से मार्केट में ठेलों की जो देखी जा रही है ना, एक एरिए में थटरा चौक उसी गेट में कम से कम 22 ठेले लगे हुए हैं। जो काम धंधे नहीं करने जाते थे वो भी ठेला लगा के यहाँ काम धंधा कर रहे हैं। उस वजह से ये सोशल डिस्टेंस का तो ख्याल दिमाग से निकल ही जाएगा। और जिस तरह से सरकार ने बोला है कोई भी दुकानदार दुकान खोलता है मास्क का प्रयोग करेगा, बाहर कस्टमर खड़े हैं वो मास्क लगाएंगे और सैनिटाइज़र का उपयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंस में दुकान खोल के। सबसे ज़्यादा परेशानी व्यापारी को होगी, अगर बाहर लगा हुआ कस्टमर अगर मास्क नहीं लगाता है तो जुर्माना दुकानदार को भरना पड़ेगा। ये सब चीज़ नज़र में रखते हुए हम दुकानदारों ने दुकान खोलने का रखा है। पर ये जिस तरह से ठेले जो बाज़ार में लगे हुए हैं ना, उस हिसाब से इस ठेले पे हर तरह के लोग आएंगे, हर समाज के लोग आएंगे, तो हमारे सोशल डिस्टेंस का ख्याल की धज्जी उड़ जाएगी। जिस तरह गवर्नमेंट सरकार ने, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि जिस ये पोजीशन चलेगी उसके बाद हमें फिर वापस लॉकडाउन का करना पड़े। इसलिए हमारी सरकार से एक पुण्य निवेदन है, प्रशासन से पुण्य निवेदन है, ये जो भी इस पोजीशन में जो भी ठेले प्लाड़ी चाहिए उन पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया जाए। आपका नाम? घनश्याम शर्मा, थटरा चौक उसी के। सब चीज़ कह दी उसमें, पता नहीं ठेले में कौन कौन